यही लोग हैं, इन लोगों ने हजारों सालों तक इस देश में, ये देश का जो इतिहास है वो इतिहास ही इनके इस पे है कि वो ज्ञान की पाबंदी और ज्ञान की मुक्ति का इतिहास है। बुद्धा ने ज्ञान के मुक्ति का रास्ता खोला और मनुवादियों ने ज्ञान के पाबंदी का रास्ता खोला। स्त्रियों को शिक्षा नहीं है, दलितों को नहीं है, ओबीसी को नहीं है, आदिवासियों को शिक्षा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसको ही वो कहते हैं ज्ञान की पाबंदी। ज्ञान सीमित कुछ लोगों तक रखना और दूसरे लोगों के ऊपर ज्ञान की पाबंदी डालना, इसको ही ज्ञान की पाबंदी कहते हैं। और ये महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, लेकिन आप रैली में आए हैं, संविधान बचाओ महारैली, क्या हो गया संविधान का, क्या ऐसा खतरा पड़ गया? संविधान पे खतरा गिरा है इसलिए तो रैलियां हो रही है। हाँ। देश में बात हो रही है कि संविधान बचाने की बात हो रही है। हाँ। एक तरफ संविधान बदलने की भी बात हो रही है। धीरे धीरे निजीकरण करके संविधान के जो राष्ट्र की संपत्ति है वो बेचने के बाद आम आदमी की उस संपत्ति के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा और संविधानिक कानून उसके ऊपर लागू नहीं रहेगा। ये सरकार संविधान इसलिए भी बदलना चाहता है क्योंकि उनका मनुवादी जो शासन है, इस संविधान ने वो शासन हटा दिया है। इस संविधान ने सभी को बराबरी दी है, इस संविधान ने सभी को समता, स्वतंत्र और बंधुता की प्रेरणा दी है और ये लोग ये चाहते हैं कि ये नकारात्मक भूमिका उनकी रहे। यही लोग हैं, इन लोगों ने हजारों सालों तक इस देश में, ये देश का जो इतिहास है वो इतिहास ही इनके इस पे है कि वो ज्ञान की पाबंदी और ज्ञान की मुक्ति का इतिहास है। बुद्धा ने ज्ञान के मुक्ति का रास्ता खोला और मनुवादियों ने ज्ञान के पाबंदी का रास्ता खोला। ज्ञान पर पाबंदी, ज्ञान के ऊपर पाबंदी तो रही है इतने सालों तक। स्त्रियों को शिक्षा नहीं है, दलितों को नहीं है, ओबीसी को नहीं है, आदिवासियों को शिक्षा नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसको ही कहते हैं ज्ञान की पाबंदी। ज्ञान सीमित कुछ लोगों तक रखना और दूसरे लोगों के ऊपर ज्ञान की पाबंदी डालना, इसको ही ज्ञान की पाबंदी कहते हैं। और ये एक बड़ी ऐसी दूसरी मोमेंट यहाँ पे खड़ी, बुद्ध, फुले, शाहू, अम्बेडकर और पेरियार का एक मोमेंट खड़ा हुआ जो ज्ञान की मुक्ति के लिए लड़ा। भावराव पाटिल का एक लड़ाई लड़ा कि जिन्होंने हर एक गाँव में स्कूल खोला। ये लोग अभी ज्ञान की पाबंदी लाना चाहते है, यूनिवर्सिटी में मनुवादी एजेंडा चलाना चाहते है, आरएसएस का एजेंडा वहां पे चलाना चाहते है, ये संविधान वो बदलना चाहते है। लेकिन मोदी जी मंदिर बना दे, राम मंदिर बनवा दिया। हाँ, यही तो है ना, इसी तो को कहते हैं कि संविधान अभी धोखा में है। अच्छा, संविधान खत्म करना चाहते है। आप सोचिए कि मंदिर बनाने के लिए उससे मंदिर से विकास होगा देश का कि यूनिवर्सिटी से विकास होगा? हमें यूनिवर्सिटी बनाना पड़ेगा, हमें अच्छे अस्पताल बनाने पड़ेंगे, हमें अच्छी स्कूल, सरकारी स्कूल अच्छे बनाने पड़ेंगे और उनका जो दर्जा भी है वो भी अच्छा होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए। मगर इस देश में ये नहीं हो रहा है। आपको पता नहीं होगा महाराष्ट्र में, अरे फिर वो कह देंगे कि आप सनातन विरोधी हैं। हम सनातन विरोधी है ही ना, इसमें गलत क्या है? जो गलत है उसके विरोधी है हम, और सनातन गलत है, हम उसके विरोधी है। सनातन ही गलत है, सनातन ही गलत है। कैसे, क्या है आपके मायने में सनातन याने क्या है? सनातन याने हिंदुइज्म है, सनातन याने वर्ण व्यवस्था है, सनातन याने पूजा पाठ है, सनातन याने ज्ञान की पाबंदी है, यही तो है धर्म, यही तो सनातनवाद है। और वो गलत है, गलत है तो गलत है और वो हट जाएगा। कोई भी गलत चीज दुनिया में कभी नहीं रहेगी। हिटलर ने दुनिया के ऊपर, बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी जी 2024 में भी आएंगे, कोई उनके विकल्प नहीं है। मोदी जी 2024 में आएंगे, उनको नहीं आने देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। हम गांव गांव में जाके प्रयास करेंगे, मगर वो सरकार में भी आएंगे, सरकार बनाएंगे, तब भी हमारा विरोध उनकी नीतियों पे रहेगा और विरोध होना चाहिए, यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है।